रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। 26 साल की उम्र पहली बार बनाए संबंध, इस अभिनेत्री के प्यार में पागल थे करण जौहर। यश राज फिल्म के निर्माता यानी कि करण जौहर को आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे। करण मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति है जो सिर्फ निर्माता ही नहीं बल्कि एक्टर, स्क्रीन राइटर, डिजाइनर और प्रोड्यूसर भी है। फिल्म जगह में अधिकतर रोमांटिक और लव स्टोरी टाइप फिल्म बनाने में करण जौहर का सबसे बड़ा हाथ है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए आपको करण जौहर के निजी जीवन के विषय में उन अनसुलझे पहलुओं को बताते हैं। 25 मई 1972 को जन्मे करण 46 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी शादी का विचार तक नहीं किया। मीडिया को दिए इंटरव्यू में करण ने बताया कि वे कभी शादी करेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें अपने काम से बहुत खुशी मिलती है और ऐसी खुशी शायद दूसरी कोई चीज उन्हें नहीं दे सकती। करण बॉलीवुड अभिनेत्रियों के काफी करीब माने जाते हैं। करण के जीवन पर एक किताब भी लिखी जा चुकी है जिसका नाम है अनसुटेबल बॉय। आपको बता दें कि इस किताब में करण की जिंदगी के विषय से जुड़े कई पहलुओं की बारीकी से चर्चा की गई है। यहां तक कि इस किताब में यह भी लिखा है कि जब फिल्म कुछ कुछ होता है रिलीज हुई, उस दिन करण न्यूयॉर्क में थे और वहां उन्होंने पहली बार संबंध बनाए थे। करण और ट्विंकल खन्ना एक साथ बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करते थे। उस वक्त करण ट्विंकल के प्यार में पागल थे, लेकिन ट्विंकल ने करण की फिल्म में काम करने का ऑफर ठुकरा दिया था, जिसके बाद से करण का दिल टूट गया था।